हेलो यूअर्स, वेलकम बैक सुविध मंडल के एक न्यू एंड फ्रेश एपिसोड में। तो आज की इस एपिसोड में मैं आप लोगों को मतलब ड्रॉ करके दिखाऊंगा एक मतलब सरस्वती जो गॉड है उसको मैं ड्रॉ करके इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। मतलब ए टू जेड जो ट्यूटोरियल करके मैं बताने वाला हूँ, मतलब कैसे उसका आउटलाइन करते हैं, किस वाले पेंसिल से, सारे कुछ सारे चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा लास्ट तक ये वीडियो देखिए, छोड़ के मत जाना। तो इस वीडियो में पूरा आपको समझा देंगे कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब आपको ये पूरा अच्छे तरीके से समझा देंगे, ठीक है। और एक बात करती हूँ, हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप अगर ज्वाइन नहीं हुए तो अभी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उस मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जो अपकमिंग जो वीडियो आने वाला है उसका जो जो मैं ड्रॉ करता हूँ वो पहले ही अपलोड कर देता हूँ, मतलब उस फोटो भेज देता हूँ, तो इसलिए अभी ज्वाइन हो सकते हैं अभी। तो और एक बात कर दूँ, ये जो फ्लावर वॉस देख रहे हो ये ही मेरे हाथों से बना हुआ है, आप देख सकते हो ये वाला मेरे हाथों से बना हुआ है, ये न्यूज़पेपर से बनी हुई है। तो इसे कैसे मेट करते हैं इसके बारे में मेरा एक वीडियो है, और मतलब मेरा चैनल में जाके देखिए, विजिट करके देखिए, ये वीडियो अगर नया देखते हो तो जाके देखिए, इसके बारे में वीडियो है। तो चलते हैं आज की जो बकवास ना करते हुए आज की जो वीडियो है, जो ट्यूटोरियल है उसे स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को मैं ये जो ड्राइंग है या ट्यूटोरियल करके दिखाऊंगा। पहले मैकेनिकल पेंसिल से का आउटलाइन करना पड़ेगा। तो आउटलाइन करने के बाद मतलब पहले अच्छे से उसका आउटलाइन कर लेना पड़ेगा। तो आउटलाइन करने के बाद उसको सेट करें, तो पहले फ़ोटो को देख के अच्छे से ऑब्जर्व करके सही तरह से आउटलाइन कर लेना पड़ेगा। उसके बाद जो मैं आँख से स्टार्ट किया हूँ, आपका आँख से मतलब आप जिस तरह से फोटो को ऑब्जर्व कर सकते हो उसी तरह से स्टार्ट कीजिए। मैं आँख से स्टार्ट कर रहा हूँ इसका मतलब नहीं आँख से ही स्टार्ट करिए, ठीक है, आपकी तरह से आप स्टार्ट करिए, आँख से ही करना ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। मैं पहले आउटलाइन कर लिया है, आपको भी पहले आउटलाइन कर लेना है। आउटलाइन अच्छे आगे नहीं कर सकते हो तो ग्रेड मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। ग्रेड मेथड क्या चीज़ है ये आप अगर नहीं जानते हो तो मेरे चैनल पर जाके देखिए, ग्रेड मेथड का भी ट्यूटोरियल मिल जाएगा, कैसे ग्रेड मेथड करते हैं ये सारे कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और मतलब जो ग्राफाइट और चारकोल पेंसिल होता है तो कैसे इस्तेमाल करता है, मतलब आप जो डार्क एरिया है तो उसको पहले चारकोल से कर लीजिए, ताकि मतलब अगर आप पहले ग्राफाइट का यूज़ करते हो तो ग्राफाइट के ऊपर चारकोल नहीं होता है, ये तो आप सभी अगर ड्रॉ करते हो तो जानते ही होंगे, ग्राफाइट के ऊपर नहीं होता है। तो इसलिए पहले जो डार्क एरिया है, मतलब आपको तो पहले आउटलाइन कर लेना है। तो आउटलाइन के लिए मैंने इस्तेमाल किया है, जैसे कि देख सकते हो इधर पर मैं कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल से डार्क एरिया मैंने कर लिया, ठीक है। इस तरह से आपको पहले चारकोल से कर लेना है। आउटलाइन के लिए मैंने स्पेशली मतलब यूज़ किया है जो 0.5 मैकेनिकल पेंसिल है उससे ही मैंने आउटलाइन किया है। तो आपको भी इससे करना पड़ेगा, तो ही मतलब उसमें बहुत ही पेंसिल नुकीला होता है, इसलिए बहुत ही अच्छा उससे आउटलाइन हो जाता है। तो इस पेंसिल का आप आउटलाइन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने कैसे इधर पर जो उसमें डार्क जो एरिया है उसमें चारकोल का इस्तेमाल किया हूँ, मतलब इसी तरह से आपको ऑब्जर्व करना है फोटोग्राफ को। तो फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करने के बाद जिधर जिधर जिस सेट लगेगा उसकी अकॉर्डिंग आपको जो चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करना है और ग्राफाइट का भी। जैसे कि देख सकते हो ये जो क्लॉथ है उसमें मैं चारकोल पेंसिल का नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ग्राफाइट पेंसिल का, और इस हैंड में भी। तो ये आपको ड्राइंग काटते करते जो जितना प्रैक्टिस करोगे उसके रिगार्डिंग आपको समझ में आएगा जो कैसे किधर कौन सी पेंसिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आपको पूरी तरह अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है, फोटोग्राफ को अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करिए जो किधर क्या सेट लगेगा, ये सब कुछ आपको आपने आप आएगा, मेरे कहने पर ये नहीं होगा। आपको बहुत जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतने, मतलब एक बार ड्रॉ करके ये नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे मत करिए, मतलब आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका भी होगा ड्राइंग में इम्प्रूव। जैसे कि देख सकते हो ये इधर डार्क एरिया है, तो इसमें मैं चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करके मैंने पूरा कर लिया है, और ऊपर वाला इससे भी बाकी है, देख सकते हो इधर भी मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है।
तो मेरे चैनल पर इस तरह से हर ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। मेरे चैनल पर वाटर कलर, स्केचेस, ऑयल, बल्कि मैं ऑयल पेंटिंग भी लेके आऊँगा। इसलिए मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर जब नया नया ड्राॅइंग में लेके आऊँगा उसका जो ड्राॅइंग पहले ही आपको उससे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है? इस तरह से मैं हर एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा आपके सामने, आपको सिखाता रहूँगा, मेरा जो ये काम है मैं करता रहूँगा। तो इसलिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो पास में बेल वाला आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दिए, ताकि मेरा सब्सक्राइब प्रेस करने से उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को देख के अगर आपको कुछ हेल्प मिले तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, ताकि मेरा और भी चैनल ग्रो हो सके, और ये आपके हाथ में है। आप मुझे जैसे तरह से सपोर्ट करोगे मैं उस तरह से वीडियो भी छोड़ता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों को इसी तरह से ट्यूटोरियल बहुत ही लेके आने वाला हूँ फ्यूचर में। जैसे कि देख सकते हो इसी तरह से मेरा ड्राॅइंग हो गया ख़त्म। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए। तो आप लोगों को ये वीडियो देख के कैसा लगा, ये मेरा अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और इस वीडियो को देख के अगर कुछ हेल्प मिले तो मतलब कैसा लगा वो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। बताओ मुझे कैसा लगा, और क्या क्या ड्रॉ करना करवाना चाहते हो, क्या क्या ट्यूटोरियल, मतलब आपको क्या प्रॉब्लम होता है ड्राॅइंग में, वो बताइए, मैं उसके बारे में वीडियो छोड़ने का कोशिश करूँगा, ठीक है? तो इस वाले वीडियो से आप अगर कुछ हेल्प मिले तो लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर करिए, और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि मेरा हर वीडियो का अपलोड सबसे पहले मिलता रहे। तो इस वीडियो में बस यही था, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।